हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट, और इस सीरीज़ के अंदर हम पीसीएस एग्ज़ाम जो आपका 12 जून को आयोजित होने वाला है और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है 29th ऑफ मई, इन दोनों एग्ज़ाम्स को फोकस करते हुए हम ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, और जिसके अंदर हम जीएस और करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, और इस सीरीज़ के अंदर अभी तक हमने 25 सेट्स कवर कर लिए हैं और ये है हमारा 26 नंबर का सेट। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। चलिए देखते हैं 26वें सेट के अंदर कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो देखिए, यह है पहला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि यह किसने कहा था, ये जो फ्रेज एक दिया हुआ है ये किसने कहा है, Unworthy and disappointing, a sunless dawn for Montagu-Chelmsford reform। जब ये Montagu-Chelmsford reform आया था तो उसके लिए ये स्टेटमेंट जो है unworthy and disappointing, a sunless dawn, ये किसने कहा है, ये पूछा गया है। तो देखिए, जब माउंटफोर्ड या का जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम पर कांग्रेस का सेशन चल रहा था एक, ठीक है, और उस सेशन का नाम था बॉम्बे सेशन। ठीक है, कांग्रेस का जो आईएनसी का बॉम्बे सेशन था 1918 के अंदर, और उस टाइम पर ये चल रहा था, और उस टाइम पर ये जो स्टेटमेंट है अनवर्थी एंड डिसअपॉइंटिंग, ठीक है, ये स्टेटमेंट कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ऑप्शन ए जो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। बट इसके साथ साथ एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट ने भी ये कहा कि ये एनी बेसेंट की जो स्टेटमेंट थी, देखिए ये तो स्टेटमेंट थी आपकी बाल गंगाधर तिलक की, एनी बेसेंट की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि अनवर्थी, ये भी कई बार पूछी जा सकती है इसलिए आपको ध्यान रखनी है इसको, अनवर्थी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है एनी बेसेंट ने कही थी जो आपका माउंटेगु-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था उसके संदर्भ में, और बाल गंगाधर तिलक ने ये वाली स्टेटमेंट दी थी जो क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बोरोबुधर टेंपल जो है ये किस चीज़ का एग्जांपल है। देखिए, बोरोबुधर टेंपल जो है ये एक इंडो जावा आर्ट्स का एग्जांपल है। ठीक है, अब इंडो जावा की हम बात करें तो जो जावा एरिया है, कंट्री है, वहाँ पर जो हिंदू किंगडम्स है उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 4th शताब्दी के अंदर देखी गई है। ठीक है, और सेंट्रल जावा के अंदर जो किंगडम ऑफ मराठम, ठीक है, किंगडम ऑफ मराठम जो है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग था, हिंदू किंग था, बेसिकली हिंदू रिलीजियस किंग था उस टाइम पर सेंट्रल पार्ट में, तो उसने रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है, और उसने कॉन्क्वर किया था शैलेंद्र ऑफ सुमात्रा, जो सुमात्रा आइलैंड्स जिनको हम कहते हैं ना सुमात्रा आइलैंड्स, तो उस एरिया को भी उसने कॉन्क्वर किया था। और यहाँ पर जो इंडो जावा आर्ट्स है, बोरबुदूर टेंपल के अंदर, तो ये आपको देखने को मिलती है। ये बनी थी बेसिकली आपकी 1750 to 1850 AD के आसपास ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, शैलेंद्र के किसके कार्यकाल में, ये भी पूछा जा सकता है, शैलेंद्र के कार्यकाल में, शैलेंद्र जो उस टाइम पर वहां पर किंग था, कौन था, हिंदू किंग था, हिंदू किंग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव, देखिए एक बड़ी सी स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, तो और ये पूछा कि ये स्टेटमेंट या लाइंस जो है ये किसने मेंशन करी है। तो स्टेटमेंट है, आई हैव प्रेज्ड इंडिया फॉर टू रीजंस, फर्स्ट बिकॉज इंडिया इज अ लैंड ऑफ माई बर्थ एंड अवर कंट्री। पहले देखिए, इंडिया की वो प्रशंसा कर रहे हैं दो कारणों से, पहला तो ये है कि भाई वो उसकी बर्थ प्लेस है कंट्री इंडिया, लव ऑफ द कंट्री इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेशन, भाई देश से प्यार एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, ठीक है, प्रशंसा करने का। हिंदुज़म इज लाइक अ हेवन, हिंदुज़म जो, सॉरी नॉट हिंदुज़म, दैट इज हिंदुस्तान इज अ लाइक हेवन, हिंदुस्तान एक स्वर्ग की तरह प्रतीत होता है, इट्स क्लाइमेट इज बेटर देन द कुशान। ठीक है, कुशान दैट मीन्स जो आपका सेंट्रल एशिया वाला इलाका है या जो अफगान ईरान वाला इलाका है, वहाँ से बेटर एरिया मतलब क्लाइमेट है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फुल ऑफ फ्लावर्स ऑल अराउंड द ईयर्स, पूरे साल जो है भिन्न भिन्न टाइप के आपको फ्लावर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो
Brahmans and the Brahmans here are the learners and Aristotle as Aristotle, ठीक है, and there are many scholars in various field, कई सारे field के अंदर कई सारे जो शिक्षा ग्रहण करने वाले scholars हैं वो देखने को मिले उसे, तो ये जो lines है basically ये किसने कही हैं, ठीक है, ये कही हैं अमीर खुसरो ने, ऑप्शन डी जो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अमीर खुसरो की हम बात करें तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1252 के अंदर, और कहाँ पर, एक गांव का नाम है, गांव का नाम है पटियाली, ठीक है, दैट इज पटियाली, नॉट पटियाला इज नहीं है, पटियाली इज द नाम, और ये कहाँ पर है, बदायूं के अंदर है, बदायूं जो एक शहर है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, वेस्टर्न यूपी के अंदर एक शहर है बदायूं, तो वहाँ पर इसका जन्म हुआ था, ठीक है, अमीर खुसरो, ठीक है, और उसको भारत पे प्राइड था बिकॉज उसका जन्म भी उत्तर मतलब इंडिया के अंदर ही हुआ है, और उसको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, और खुसरो का जो लव है इंडिया की तरफ शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए इसे। हु स्टार्टेड फास्ट अनटू द डेथ, मतलब उन्होंने फास्ट शुरू किया, फास्ट मतलब व्रत रखा, जो होता है ना फास्टिंग कर देते हैं भाई, खाए पिए नहीं रहेंगे, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, तो फास्टिंग करी यहाँ पर फॉर द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंस इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए लिंग्विस्टिक प्रोविंस की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, या फिर आप कह लीजिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन होना है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंदर वो कौन कौन से लीडर थे, मतलब दो नाम दिए हुए हैं, स्वामी सीतारमन और पोट्टीश्री रमल्लू, ठीक है, ये दोनों नाम हैं। तो अभी देखते हैं हम इसकी कहानी पहले समझ लेते हैं। तो देखिए जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद होने के बाद ये डिमांड बढ़ने लगी कि भारत के अंदर जो राज्यों का गठन है, ठीक है, पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो भाषाओं के आधार पर हो। तो इसके लिए सबसे पहले जून के अंदर, जून 1948 के अंदर जब भारत को आज़ादी मिल चुकी थी, उसके बाद लगभग 11 महीने बाद, 10 महीने बाद लगभग कह लीजिए, एक कमेटी की गठन किया गया जिसे कहते हैं धार कमेटी, धार कमेटी, ठीक है, धार कमेटी का जो गठन किया गया, इसमें एस के धार थे, ये जो जस्टिस थे बेसिकली, जस्टिस एस के धार, इनके अध्यक्षता में एक गठित किया गया, और इस कमेटी का ये उद्देश्य था कि वो इस जो डिमांड चल रही थी कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए, उसकी एक इंक्वायरी करे, जांच करे कि भाई एक्चुअल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके की कमेटी का गठित किया गया। इसके बाद इसी साल दिसंबर में, साल का अंत आते आते दिसंबर में एक और कमेटी का गठन किया गया, जो कि 1948 में दिसंबर में ही, जिसे कहते हैं JVP कमेटी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पेटाबी सत्तारमैया, ठीक है, तो ये तीन लोग थे इस कमेटी के अंदर मेंबर्स, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो अगेंस्ट दी, मतलब देखिए अगेंस्ट, इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी JVP ने, इन्होंने कहा कि भाई जो आपका वो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो डिवीजन है स्टेट्स का वो गलत होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये अगेंस्ट थे बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक डिवीजन और रीऑर्गेनाइजेशन के। फिर यहाँ पर एक पर्सन आते हैं अगस्त 1951 के अंदर, उनका नाम था स्वामी सीतारमन, ठीक है, ये एक तेलुगु स्पीकिंग पर्सन है बेसिकली, ये आपका साउथ इंडिया आंध्रा के एरिया से आपके बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश के रीजन से हैं, और ये कांग्रेस के एक लीडर रहे हैं और गांधीयन फिलोसफी पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं। इनकी ये डिमांड थी कि ये जो गठन है लैंग्वेज के बेसिस पर ये किया जाए, ठीक है, और इसके लिए इन्होंने अपना एक आमरण अनशन किया, ठीक है, बट इनका जो अनशन है वो क्लोज कर दिया गया, मतलब इन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया था, और कुछ टाइम के बाद, मतलब ये कह लीजिए कि लगभग 35 डेज के आसपास, आई थिंक 35 डेज तक इन्होंने अपना अनशन किया, उसके बाद इन्होंने अपना अनशन ख़त्म कर दिया, ठीक है, ये तो हो गया 1951 के बाद अगस्त की। और फिर इसी लगभग अगले साल 1952 के अंदर एक और सज्जन निकले, वो भी गांधीयन फिलोसफी को फॉलो करते थे, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते थे, उनका नाम था पोट्टी श्री रमल्लू श्री
18 मान लो, जो ये सेकंड ऑप्शन नाम दिया हुआ है, इन्होंने भी अपना फास्टिंग चालू किया फॉर द सेक ऑफ लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो इन्होंने जो फास्ट चालू किया तो लगभग इन्होंने अपना फास्ट रखा था 56 डेज तक। ठीक है, और 56 डेज के बाद जो है इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है फास्ट रखते हुए। अब देखिए, ये दो लोग तो हो गए, किन्होंने रखा, वही स्वामी सीतारमन और ये दोनों लोगों ने रखा, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपका मिल गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ये सब तो कहानी हो गई यहाँ की। इसके बाद जो है फिर फाइनली क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ कि एक नया राज्य का गठित किया गया, जो कि तमिल भाषा, मतलब जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनसे सेपरेट कर दिया गया तेलुगुस को। मतलब यहाँ पर किसकी एस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश की। भारत का पहला वो राज्य जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे गठित हुआ वो था आपका आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जो है ये किस राज्य ने जीता है, ये जीता है केरला ने। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, केरला। केरला ने ये जीता है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड। ठीक है, और इसे प्रेजेंट किया गया था किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, इसे मिनिस्ट्री जो थी इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये आयोजित किया गया था। ठीक है, और ये अवार्ड जो है दिया जाता है रिकॉग्नाइजेशन, मतलब एक सम्मानित या कह लीजिए आप उसमें कि एक प्रोत्साहन के फील्ड में दिया जाता है कि भाई प्रमोट किया जाता है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है अपने स्टेट्स के अंदर या यूनियन टेरिटरीज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से चलाई है। ठीक है, और ये अवार्ड जो है स्पेशली दिया गया कोची मेट्रो को, किसको, कोची मेट्रो के लिए, मेट्रो। ठीक है, और वाटर मेट्रो, ठीक, जो कि कनेक्टिविटी सेम करती है, जैसे आपका होता ना पानी, वाटर मेट्रो दैट मीन्स कनेक्टिविटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द वाटर वे, है ना, तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, तो केरला इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली डिजी सक्षम प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, देखिए डिजी सक्षम जो प्रोग्राम है ये यूनियन लेबर मिनिस्टर और माइक्रोसॉफ्ट का एक जॉइंटली इन दोनों ने लॉन्च किया है डिजी सक्षम, जिसके तहत जो है एम्प्लॉयबिलिटी को एनहेंस किया जाएगा, मतलब जो रोजगार के अवसर हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इसके अंदर जो है कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स भी कंडक्ट कराए जाएंगे, जैसे कि एमसीसी होता है, एमसीसी मतलब मॉडल करियर सेंटर्स हो गया, या एनसीएससी, ठीक है, ये होता है आपका नेशनल करियर सर्विस सेंटर्स। ठीक है, फॉर द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स अक्रॉस द कंट्री, ये सब सारी चीज़ें सेटअप की जाएंगी। डीजी सक्षम आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड प्लस आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का जो माइक्रोसॉफ्ट विंग है, उन दोनों का एक मिलीजुली पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली स्केड पोर्टल वॉज लॉन्च। देखिए स्केड पोर्टल क्या है, स्केड पोर्टल एक इट्स अ काइंड ऑफ फर्स्ट मूव। देखिए इसे गवर्नमेंट ने ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह लॉन्च किया है, किस तरीके से, ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है ना, एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए जो एक्सचेंज बेसिकली बनाया जाता है, कैसी एजेंसी जहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो, तो आपकी क्वालिफिकेशन या जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी या जॉब्स आएंगी पार्ट टाइम या वन डे बेसिस पे, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये है आपका ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और स्केड की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सीनियर एबल सिटीजन सीकिंग जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, नॉट परफॉर्मेंस, दैट इज अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये है इसका बेसिकली मतलब, नहीं एक जस्ट मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ गलत बोल दिया। ठीक है, ये है सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर रीएम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी
डिग्निटी, ये है इसका मतलब। ये थोड़ा सा गलत हो गया था, इसे हटा दीजिए। सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली इसका इज केयर्ड का फुल फॉर्म है ये, ठीक है। अब इसके अंदर जो ओल्ड एज है, मतलब जो सिटीजन्स है, सीनियर सिटीजन जो 60 ईयर्स के अबव के हैं, वो अपने आप को इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं और वो उनके हिसाब से कोई भी जॉब अगर जो आती है तो उनको वो अप्रोच किया जाएगा। भाई देखिए, सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है, रिटायर तो हो गए, बट क्या हुआ कि भाई उनके पास क्या एबल है, वो एबल हैं कि भाई वो काम कर सकते हैं और उनके पास क्या है, काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होता है चीज़ों को हैंडल करने का, काम करने का, है ना, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है इसके थ्रू। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग लगाना है। ये पेलियोलिथिक साइट्स से एंड लोकेशंस आपकी दी हुई है। देखिए, पेलियोलिथिक साइट्स को क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं स्टोन एज, स्टोन एज के नाम से हम जानते हैं इसे, ठीक है, पत्थर युग जो हुआ करता था। और ये मोस्टली जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका पूरा फैला हुआ था। और जनरली इसकी जो लोकेशंस है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, रिवर्स के किनारे, ठीक है। देखिए, जो पहले पत्थर युग या उस टाइम पर जो सिविलाइजेशन बस रही थी वो कहाँ बस रही थी, पत्थरों के किनारे बस रही थी, ठीक है। तो रिवर्स के किनारे ये बस रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दिया गया है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। आदमगढ़ की जो हिल्स हैं, आदमगढ़ हिल्स आपको नर्मदा वैली में आपको देखने को मिलती हैं, बिल्कुल सही है। और पोटवार प्लेटू जो है, पोटवार प्लेटू आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है। यहाँ पर साउथ इंडिया लिखा है, यहाँ होगा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आपको ये देखने को मिलती है, पोटवार प्लेट्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट करेक्ट पूछा था, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। कुरनूल जो है ये आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और शिवालिक हिल्स भी है आपकी देखने को मिलती है, शिवालिक हिल्स, ठीक है, शिवालिक हिल्स कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको मिलती है नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए और इसको याद रखिए कि ये अक्सर पूछा जाता है। हु वॉज द रूलर ऑफ पाल एम्पायर, पाल एम्पायर का रूलर कौन था, कब, वेन द फेमस, एक होते ना ट्राई जंक्शन लड़ाई, तीन क्षेत्रों की लड़ाई आपको देखने को मिल रही थी जिस टाइम पर, ठीक है, जिस टाइम पर लड़ रहे थे आपस में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये आपस में जब लड़ रहे थे उस टाइम पर पाल किंगडम में रूलर कौन था, वो था गोपाला, ठीक है। गोपाला इज द करेक्ट आंसर, गोपाला नहीं था यहाँ पर, यहाँ पर जब लड़ाई चल रही थी बेसिकली, गोपाला जो एक्चुअली किंग था, ये करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, गोपाला जो किंग था यहाँ पर ये 750 एडी के आसपास में था, ठीक है। और गोपाला जो है बेसिकली जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा धर्मपाल, ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और धर्मपाल का जो शासन काल था वो 810 एडी के आसपास का था, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, जब ये तीनों की लड़ाई चल रही थी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट की, तो उस टाइम पर जो किंग था पाल एम्पायर का वो था धर्मपाल, ठीक है। तो ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो यहाँ पर ध्रुव लिखा हुआ है, ध्रुव जो है प्रतिहार रूलर था, ठीक है, प्रतिहार का जो किंग था, ठीक है, और जिसकी लड़ाई चल रही थी राष्ट्रकूट और पाल्स के साथ में, ठीक है। और ये देवपल्ला कौन है, देवपल्ला जो है ये सन है, ये बेटा है किसका, धर्मपाल का, ये धर्मपाल का बेटा है, ठीक है, देवपल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट ग्रीन टर्म लोन एग्रीमेंट वॉज साइन बाई, ठीक है, ग्रीन टर्म रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में है ये, देखिए ग्रीन की बात कर रहा है तो ग्रीन का मतलब हो गया रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए जो टर्म लोन एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था किसके साथ में, एनटीपीसी के साथ में, एनटीपीसी क्या है, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट पावर कॉरपोरेशन है, ठीक है, उसके साथ में ये शुरू किया गया। और एक कहाँ पर शुरू किया गया है, राजस्थान के अंदर और गुजरात के अंदर, राजस्थान एंड गुजरात के अंदर यहाँ पे शुरू किया गया है, इसे कहा जाता है, देखिए ये हो गया एनटीपीसी और साथ में REL, ठीक है, दैट इज REL, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट करेंगी एक सिंगल लोकल पावर स्टेशन या पावर पार्क बेसिकली, और जिसकी क्षमता होगी 4.75 गीगावाट्स। और ये कहाँ पर बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा कच्छ के अंदर, ठीक है, रन ऑफ कच्छ जो एरिया है वहाँ पर ये
बनाया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड बाय। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है बेसिकली ये किसकी थी, ये थी आपकी पुर्तगीज की। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि वास्को डी गामा जब भारत आया, वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 के अंदर जो है वास्को डी गामा, ठीक है, ये एक सेलर था बेसिकली। ठीक है, ये अपना ट्रेडिंग के लिए आपका भारत आया था थ्रू द कालीकट, कोचीन का जो एरिया है, केरल का एरिया है बेसिकली। ठीक है, तो उसके थ्रू ये भारत आया था और इसकी जो है ब्लू वाटर पॉलिसी रहती थी पुर्तगीज की। ठीक है, ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 26 के। आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।